अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 की दो ही वीडियो अपलोड होंगी, एक अभी और एक इंशाल्लाह 3 घंटे बाद, और हमारा कोर्स ख़त्म। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, थोड़ी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं हम, 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको सिग्मा वाली नोटेशन आनी चाहिए। अब ये हर चीज़ तो मैं ही सिखा रहा हूँ, तो सेंटर में आपने क्या सीखी है फिर? अच्छा, तो सिग्मा वाली नोटेशन ऐसा, वैसे एक्स लिखा हुआ है उन्होंने, मिस्टेक का किया आएगा क्योंकि इनके जनरल टर्म भी के की फॉर्म में, K1 से लेके 50 है। ठीक है, अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं जनरल आपको बता देता हूँ सिग्मा नोटेशन होता क्या है, क्योंकि ये सिग्मा नोटेशन आपको काफ़ी नज़र आएगी। अगर K1 से लेके 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने सिंपल K लिखा हुआ है, ये जनरल टर्म होती है, इधर कुछ भी आप लिख सकते हो, लेट से K² आप लिख दो। ठीक है, सिग्मा नोटेशन का मतलब बेसिकली, इसको हम समीशन बोलते हैं, सम करता है ये। सबसे पहले आप के की स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, 1 से करना है, 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, फिर आपने एक ऊपर जाना है, 1 के ऊपर क्या होता है 2, फिर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, करते 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 आपने कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, 10 का स्क्वायर 100। अब समीशन है, इसका मतलब है आपने सबको ऐड करना है, तो ये समीशन नोटेशन का मतलब होता है, सिग्मा नोटेशन का। ठीक है, टॉपिक पे आ जाओ। सबसे पहले MCQ क्या लिखा हुआ है, 1/(k-1)/(k+1)। हर सवाल की टेक्निक एक जैसी नहीं होती, इसको ध्यान में रखो। किसी सवाल में आप कोई काम करते हो बड़े आसानी से वो हो जाता है, जैसे सवाल में आप एक काम कर सकते हो, कैसे, जो ये मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले k की 1 वैल्यू पुट करो आप, तो इधर क्या होगा, k की जगह 1 आ जाएगा, और इधर 1 पुट करोगे, 1+1 2, फिर आप k की वैल्यू 2 पुट करो, ये हो जाएगा 1/2, 2+1 3, ये हो जाएगा 1/3, फिर आप k की वैल्यू 3 पुट करो, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3+1 4। ठीक है, इसी तरह करते करते इमेजिन करो कि आपने k की वैल्यू 50 पुट कर दी है, तो ये होगा 1/50 माइनस, यहाँ 50 पुट करोगे तो 50+1 51। अब देखो हुआ क्या है, आपने इन सबको सम करना है, समीशन का मतलब क्या होता है, सबको आपने सम करना है। अब इसका सम किस तरह फाइंड करोगे, ये तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने शुरू में 3 टर्म लिखी है, फिर 50वीं टर्म लिखी है, दरमियान की टर्म तो मैं खा गया हूँ, तो मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा कैसे सम करूँगा। भाई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देखो दूसरी टर्म कैंसिल हो रही है 3री से, 4थी टर्म कैंसिल हो रही है 5वीं से, इसी तरह अगर मैं एक और लिखूंगा तो यहाँ पे 1/4 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगी इससे, तो सारी टर्म कैंसिल होंगी। इसी तरह ये 50, मैंने के 50 पुट किया था ना, अगर मैं के 49 पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा, 1/49 - 1/50, मतलब इस वाले टर्म से पहले पहले ये टर्म होगी, तो 149 उससे पहले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, -1/50 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट शुरू में आपका 1 बचा और एंड पे आपका -1/51 बचा, बाकी सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 51 को 1 से करो 51 - 1 50, तो आंसर क्या होगा, 50/51। तो इनका सम कितना छोटा सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। 2 में देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फाइंड द, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बेसिक से फॉर्मूले बता दूँ, जितने मुझे याद है मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि नहीं, n को छोड़ दो, सिंपल n लिखो यहाँ पे, तो ये बराबर होता है n+1/2 के। कहने का मतलब ये आप चैप्टर नंबर 8.2 जो है ना, उससे पहले आपको टॉपिक मिल जाएगा कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, उनका एडिशन का फॉर्मूला ये होता है। लेट से आप 1 से लेके 10 तक निकालना चाह रहे हो, शुरू के जो नेचुरल नंबर है ना 1 से लेके 10, उनका सम निकालना चाह रहे हो, तो आप इस फॉर्मूले में 10 पुट करो, आंसर 55 आ जाएगा। तो उसका मतलब है शुरू के 10 नेचुरल नंबर है, उनका सम क्या होता है, 55 होता है। ठीक है, दूसरी एक सीरीज़ होती है जो n स्क्वायर होती है, कि लेट कर लो शुरू के आपके पास जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर को आप ऐड कर रहे हो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसको ऐड कर रहे हो। तो लेट से अगर आपने शुरू के 10 नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर को ऐड करके फाइंड करना है, तो इसका लंबा वाला तरीका मैनुअली इनको कैलकुलेट करोगे, घंटे लग जाएंगे आपको, घंटे नहीं मतलब टाइम लगेगा। फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला इसका ये है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें आंखें बंद करके n की जगह 10 पुट करो, आपके पास सम आ जाएगा पूरा। और तीसरी चीज़ जो आपने याद करनी है वो n क्यूब है, कि आपने फर्स्ट जो नेचुरल नंबर हैं उनको अगर आप क्यूब करो और ऐड करो तो वो किसके बराबर होगा। लेट से शुरू के 10 के क्यूब का सम आपने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, n² (n+1)² डिवाइड बाय 4 है या 2 है, मैं देख लूँगा, अगर कोई मसला हुआ तो मैं एडिट में लगा दूंगा, डिवाइड बाय 4 ये शायद।
तो आप डायरेक्ट यहाँ 10 पुट करो, आपके पास सम आ जाएगा। तो ये तीन बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चैप्टर 8 को सॉल्व करने से पहले। 2 में लिखा हुआ है, अब देखो 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। ये जो 2 का क्यूब है ना, ये गलती से इन्होंने लिख दिया, क्योंकि सीरीज सारी स्क्वायर की चल रही है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 50 का भी स्क्वायर है, तो 2 का भी स्क्वायर है, मिस्टेक हुई है। तो सीरीज़ आपके पास क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जाना है आपको, 50 के स्क्वायर तक जाना है, ठीक है। अब एक तो उसका तरीका ये कि स्क्वायर वाली सीरीज का ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो 50 प्लस 1, यहाँ 50 पुट करो, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 6, इसको आप सॉल्व करो। या दूसरा तरीका, आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट इसको। कैसे, देखो ये अगर आप गौर से देखो, इसके ऊपर समीशन नोटेशन है, ये शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबाओ तो समीशन आता है। x, अच्छा हमारे पास यहाँ n होता है ना, तो यहाँ पे इनका x है, तो आप x की फॉर्म में लिखो, अल्फा दबा के x आएगा। बाय द वे कल इंशाल्लाह वीडियो आएगी कैलकुलेटर की, उसमें आपको डिटेल हर चीज़ मिल जाएगी। स्क्वायर की सीरीज़ है ना ये, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर की सीरीज़ है। अच्छा वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके कहाँ तक, 50 तक है, ठीक है। इक्वल का बटन दबाओ, डायरेक्ट आपके पास सम क्या आ रहा है, 42925। तो अगर बिलफर्ज ये फॉर्मूला भूल जाओ, अगर तो फॉर्मूला आता है तो ये इजी तरीका है, आप डायरेक्ट 50 पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो कैलकुलेटर को याद करना, इस ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 42925 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। यार 3 पे मुझे काफ़ी टाइम लगा है, मेरा जो सॉल्यूशन है उसके मुताबिक आंसर नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप लोग बता देना, मुझे सवाल गलत लग रहा है ऑप्शन के हिसाब से, तो अगर आप लोगों को समझ आया तो मुझे बता देना, मुझे तो इसका आंसर कोई मैच नहीं कर रहा था इससे। 4 पे देखो, 4 पे लिखा हुआ है 10 प्लस 11 प्लस 50, इसको आपने ऐड करना है। अच्छा 1 से लेके अगर 50 होता ना तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाते। ये फॉर्मूला कब है, 1 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर तक सम निकालना है, लेट से 1 से लेके 30 तक निकालना है, तो आप 30 पुट करो, 1 से लेके 30 का सम आ जाएगा। अभी 1 से लेके 50 नहीं है, 10 से लेके 50 है, तो उसमें आपको एक जुगाड़ करनी पड़ेगी। जुगाड़ क्या होगी, सबसे पहले आप फाइंड करोगे 1 से लेके 50 तक का सम, माइनस कर दोगे 1 से लेके 9 तक का सम, क्योंकि 1 से लेके 50 तक में अगर आप 1 से लेके 9 का सम माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 10 से लेके 50 तक का सम, ठीक है। इसको आप नोटेशन में कैसे लिखोगे, इस वाले में आप लिखोगे कि n जो है वो 1 से लेके 50 है और सिंपल n है, मतलब स्क्वायर वाली सीरीज़ नहीं है, सिंपल n वाली सीरीज़ है, और ये है 1 से लेके 9 तक है और इसमें भी सिर्फ n ही है। चाहो तो अभी आप फॉर्मूला लगाओगे, पहली दफ़ा इस फॉर्मूले में आप 50 पुट करो, माइनस फिर इस फॉर्मूले में आप पुट करना 9, लेकिन आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। कैसे, ये चीज़ आप कैलकुलेटर में लिख दो, आप यहाँ पे काम करो, स्क्वायर को हटाओ क्योंकि सिर्फ x है, मतलब n है ना, सिर्फ 1 से लेके 50 माइनस उसके बाद अगेन x, और यहाँ x 1 से लेके 9 है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप ये पुट करो, आंसर आपका क्या आएगा, 1230। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, वरना इधर आप इस वाले फॉर्मूले में 50 पुट करो, माइनस इस वाले फॉर्मूले में 9 पुट करो, सॉल्व करो, उस वक्त मतलब उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, 5 में उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है कि के 1 से लेके n है, के मतलब इसको आप किस तरह लिखोगे, के 1 से लेके n है, मतलब के अंदर सबसे पहले आप 1 पुट करोगे, फिर आप 2 पुट करोगे, फिर आप 3 पुट करोगे, करते करते आप n तक पुट करोगे, ठीक। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, ये वही है जो मैंने भी आप लोगों को बताया, इसका इसमें आप ये करते हो ना, शुरू के जो नेचुरल नंबर उनको ऐड कर रहे हो, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा n n प्लस 1 ओवर 2 के बराबर है। और इसमें देखो स्क्वायर वाली चीज़ है, तो स्क्वायर वाला किसके बराबर होता है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इन्होंने कंडीशन ये दी है कि दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, मतलब पहला वाला दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, आप बताओ कौन सी के वैल्यू पे ये इक्वल है, ठीक है, ये सवाल है। लेट से पहला वाला फॉर्मूला जो था, इसमें आप के की वैल्यू सिर्फ 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो आपके पास है के स्क्वायर वाला है, उसमें अगर आप के की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो के की वैल्यू 1 पे दोनों सेम है, इसका आंसर भी 1 होगा, इसका आंसर भी 1 होगा, लेकिन के की वैल्यू 2 और उससे ज़्यादा पे सेम नहीं होंगे। k की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे यहाँ पे तो 1 प्लस 2 क्या होगा, 3, और यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है सिर्फ k इक्वल टू 1 पे ये दोनों सेम है, इक्वल है, और हमें ये बताना था कि ये दोनों
किस चीज़ पे इक्वल है, कौन सी वैल्यू ऑफ के पे इक्वल है, वन वैल्यू जो है सिर्फ उसी पे इक्वल है। ठीक है जी, सिक्स में लिखा हुआ है वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, अप टू टेन स्क्वायर। तो भाई ये तो सिंपल सा है, जो दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वो वाली चीज़ है, ये वाला फॉर्मूला। इसमें आप n की जगह 10 पुट कर दो। अगर आप फॉर्मूले से कैलकुलेटर से निकालना चाहोगे तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हो आप, 1 से लेके 10 तक निकाल लेना, तो ऊपर आप 10 पुट कर दो। और यहाँ पे ये स्क्वायर की सीरीज है ना पूरी, तो आप स्क्वायर कर दो, सम 385 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये चैप्टर 8 का पार्ट 1 जो है ना, जिसमें आप ये सिग्मा नोटेशन और इनसे रिलेटेड था, वो ख़त्म हो गया। अब पार्ट 2 में वो आपके पास वो बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम वो आ जाएगा। पर ये एक आगे सवाल पुराने वाले टॉपिक से, इसमें क्यूब वाली सीरीज लिखी हुई है, तो क्यूब वाले का फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसमें आप n की जगह 10 पुट कर दो। अगर आप कैलकुलेटर से निकालना चाह रहे हो तो बस आप क्या करो, इधर क्यूब पुट कर दो, 1 से लेके 10 तो पहली सेट है, आंसर निकालो 3025 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो अब हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक आ रहा है, उसकी डिफरेंट ट्रिक्स होंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा जी, अरे यार किस तरह बैठूं, अच्छा इसके बाद जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं ना उसमें मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखो ये वाला सवाल है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, इसी तरह ये सवाल है कोफिशेंट ऑफ, कोफिशेंट ऑफ, और इसी तरह मिडल टर्म, मिडल टर्म, द कोफिशेंट ऑफ, इसमें मेजॉरिटी एक ही टेक्निक आपने लगानी है। ठीक है, तो मैं सब नहीं करवाऊंगा क्योंकि एक ही चीज़ है। बहरहाल लिखा हुआ है कोफिशेंट ऑफ सिक्स टर्म, आपको सिक्स टर्म का कोफिशेंट निकालना है। देखो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, अगर आपने कोई भी टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन ओवर आर, ए एन माइनस आर, बी आर। ठीक है, जिसमें ए और बी जो है ये आपके पास कोई भी दो टर्म लिखी हुई है, जहाँ पे ए जो है यहाँ पे 2 है और बी यहाँ पे क्या, एन ओवर 2 है। मेरी लाइट चली गई है लेकिन शूटिंग मैंने करनी है, अंधेरे में पढ़ो तुम लोग। अच्छा, तो अब यहाँ पे सीन ये है कि आपको उन्होंने बोला है सिक्स टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। मैंने बताया ये जनरल टर्म फॉर्मूला है, इसमें आप आर की जगह कुछ भी पुट करो तो आपके पास वो वाली टर्म का वो पूरी टर्म आ जाएगी आपके पास, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में होता था ना, ये वाला अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो इससे ये होता था कि आप एन की वैल्यू लेट से 5 पुट करोगे तो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। वही वाला सीन है कि आप आर की कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। अब आपको सिक्स टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, पहले सिक्स टर्म तो आए ना, उसके बाद कोफिशिएंट निकालोगे। तो सिक्स टर्म कैसे आएगी, अगर मैं आर की जगह 5 पुट कर दूंगा, 5 + 6 5 + 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी अच्छा, एन यहाँ पे क्या है, जो पावर गिवन होती है ना वो एन है, पावर 9 है तो एन 5 हो जाएगा, और आर क्या पुट किया, 5 पुट किया मैंने। ए यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ 2 है, ए की पावर एन माइनस आर, एन 9 है आर 5 है। इसी तरह बी यहाँ पे क्या है, एक्स ओवर 2, तो एक्स ओवर 2 की पावर आर, आर यहाँ पे क्या है, 5 है। अब इसको आप सिंपल एन 5 को हम कैलकुलेट करते हैं एन सी 5, और एन सी 5 आप किस तरह निकालोगे, सबसे पहले एन लिखो, शिफ्ट दबा के डिवीजन के बटन पे जाओ, देखो डिवीजन के ऊपर एन सी आर लिखा है, तो शिफ्ट दबा के दबाओ तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और आप 5 लिख दो, एन सी 5 बराबर है 126 के, तो ये चीज़ है 126 आंसर आ गया। 9 + 9 - 5 = 4, 2 की पावर 4 16 होता है। अच्छा ये हो जाएगा x की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक, कैंसिल करो भाई, नीचे 2 आ जाएगा, 126 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 63 आएगा। तो टर्म आपके पास क्या आ गई, छठी टर्म 63 x 5। अब सवाल में उन्होंने टर्म नहीं कोफिशिएंट पूछा था, तो कोफिशिएंट क्या है, 63, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब मेजॉरिटी सवालों में, तकरीबन सब सवालों में आपको यही जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकालना है।